ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे अपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की, यानी कि अपने कुछ व्यूवर्स के कॉमन क्वेश्चन की, यानी कि सेक्शन 9 के ऊपर कुछ डाउट्स, वो डाउट जो सब लोगों को डाउट्स ही रहते हैं ऑलवेज, हमेशा हर टाइम, यानी कि वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस आज उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो द फर्स्ट डाउट इज कि सेक्शन 9 करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के सचिवालय में, एक फैमिली कोर्ट होता है, वहाँ पर जाना पड़ता है. गॉट इट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इस सेक्शन 9 को कितने दिन बाद डाल सकते हैं. तो आप कितने दिन भी बाद डाल सकते हो, इवन आफ्टर 2 ईयर, 5 ईयर, जो भी आप डाल सकते हो, ग्राउंड स्पेस करके आप ये सब कर सकते हो. गॉट इट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें खर्चा कितना आता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें एक्सपेंसेस कितना होता है. तो देखो, ये हर एडवोकेट का अलग अलग डिपेंड करता है, जो भी एक्सपीरियंस के ऊपर बात होती है. किसी एडवोकेट को 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी अलग फीस है, किसी को 35 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको उसकी अलग फीस है. गॉट इट. और स्टेट वाइज वेरीज करता है और एडवोकेट वाइज भी ये चीज़ वेरी करती है, बट नॉर्मली बात करें तो 3-4 हज़ार में ये सब हो जाता है. वैसे तो फ्री में भी हो जाता है अगर आप खुद करो तो. गॉट इट. बट आई थिंक यू गॉट योर आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें पुलिस का क्या रोल होता है. तो देखो, ये सिविल टाइप का एप्लीकेशन होती है, केस होता है, तो इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता, यानी कि आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, ना वाइफ को लेके आएगी पुलिस, कुछ नहीं होगा ऐसा. गॉट इट. बिकॉज इट्स अ सिविल केस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पत्नी बार बार आए ना या रिप्लाई ना दे तो क्या होगा. तो देखो, सपोज आपने सेक्शन 9 डाला लेकिन आपकी वाइफ ना नोटिस रिसीव करती. गॉट इट. तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में या तो एक्स पार्टे हो जाता है. गॉट इट. या आपकी वाइफ है जो वो आती नहीं है, ना फर्स्ट डेट पे आती, ना सेकंड डेट पे आती, ना थर्ड पे आती, तो एक्स पार्टे हो जाता है, यानी कि एक तरफा डिसीजन, यानी कि आपके फेवर में डिसीजन हो जाता है. गॉट इट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कितने दिन तक चलता है, यानी कि जो ये केस है इसका ड्यूरिंग प्रोसीजर टाइम पीरियड कितना है. तो वैसे तो मैट्रिमोनियल मैटर का 6 मंथ्स कंसीडर करके चला जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका केस 6 महीने में ही निपटा दिया जाए. वो डिपेंड करता है हर स्टेट के बर्डन के ऊपर, यानी कि हर स्टेट की एक अलग पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ही उसमें केस होंगे, तो उस चीज़ पे भी ये सब डिपेंड करता है. नॉट इट. जैसे कि महाराष्ट्र एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है, तो यूपी में काफ़ी पॉपुलेशन है और वहाँ पे क्राइम रेट भी ज़्यादा है. गॉट इट. तो उस हिसाब से आपको देर भी लग सकती है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि आपका 6 महीने, लेकिन मिनिमम 6 महीने लगाकर ही चलो. गॉट इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या वाइफ भी यह केस अपने हस्बैंड के खिलाफ रिगार्डिंग डाल सकती है. तो बिल्कुल डाल सकती है, सेक्शन 9 दोनों के लिए अवेलेबल है, हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी. इन केस अगर हस्बैंड घर छोड़कर चले जाता है तो वाइफ ये सब डाल सकती है. गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मुस्लिम लॉ के बारे में कैसे करें. तो देखो, मुस्लिम लॉ में भी RCR डलता है बस, वहाँ पे सेक्शन 9 नहीं डलता. गॉट इट. वहाँ पे सेक्शन 9 नहीं डालते, हम लिखते नहीं है, बस RCR, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. गॉट इट. ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस. गॉट इट. यानी कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस. अगर आपको इन क्वेश्चन से अलावा कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. गॉट इट. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ.